बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 की उर्दू का पहला चैप्टर हम्द की रीडिंग करेंगे और इसकी तशरीह को समझेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम्द। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा। वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। महरम भी है ऐसा ही जैसा कह ना महरम, कुछ कह ना सका या जिस पर या भेद खुला तेरा। जश्ता नहीं नज़रों में या खलत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। तो आज हमने शेर नंबर 1 से लेके शेर नंबर 4 तक की रीडिंग की और अब हम इसकी तशरीह को समझते हैं कि शायर इस हम्द में क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम्द वो नज़म होती है कि जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ के बारे में कलिमात कहते हैं। तो इस शेर में, इस हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए शायर फरमाते हैं कि अपने आप को एक नाफरमान बंदा कहते हैं और अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं कि इससे ज़्यादा और गिरफ्त में हम आपकी क्या हैं कि हम के मुझ जैसा एक नाफरमान बंदा भी आपकी तारीफ़ बयान कर रहा है। शायर कहता है कि इस दुनिया में सबसे अहम काम अल्लाह का हक अदा करना है, मगर हम वो हक भी अदा नहीं कर सकते, इसीलिए ने शायर ने ख़ुद को नाफरमान बंदा कह रहा है। पहले उसने ख़ुद को नाफरमान बंदा कहा है, फिर उसके बाद उसने उसकी डेफिनेशन भी बयान कर दी है कि वो ख़ुद को क्यों कह रहा है नाफरमान बंदा। फिर शायर कहता है कि जिस पर इस दुनिया का राज खुल गया तो वो बयान नहीं कर सका, और जिस पर राज नहीं खुला तो वो अनजान रहा। और जिस पर असल ज़िंदगी कौन सी है, मरने के बाद की ज़िंदगी, और ज़िंदगी के राज से जो वाकिफ़ हो गया तो उसको तख्त व ताज से कोई मतलब नहीं रहा, वो सिर्फ अल्लाह से दिल लगा लेता है और अपनी फ़कीरी में गुम रहता है। तो यहाँ तक हमने शेर नंबर 1 से लेकर शेर नंबर 4 तक की तशरीह को आज हमने समझा, पढ़ा। इसके मुश्किल अल्फाज मायनी और क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, और नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह हम को कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप तमाम बच्चे जिस तरह दिए गए प्लानर पे काम है, डेट है, शेड्यूल है, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा और मुकर्रर करदा तारीख़ पर अपना काम स्कूल आके चेक करवाइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।